राकेश कुमार ने जिले में आते ही शुरू कर दी फर्जी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल पर ताबड़तोड़ कार्यवाही। एक ही पटल में वर्षों से अंगद की तरह पैर जमाए बैठे कर्मचारियों का सीएमओ ने किया तबादला, विरोध में उतरे स्वास्थ्यकर्मी। बलरामपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग में लगातार कई वर्षों से एक ही पटल व एक ही स्थान पर तैनात विभिन्न मठाधीश कर्मियों पर सीएमओ मुकेश कुमार आते ही तबादला एक्सप्रेस शुरू कर दिया है। दरअसल सीएमओ के तबादला नीति को भी वर्षों से जमे मठाधीश कर्मी चूना लगा रहे थे, जिसको लेकर जिले में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने एवं भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सीएमओ मुकेश कुमार एक ही स्थान पर कई वर्षों से टिके अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला कर दिया, जिससे नाराज कर्मी सीएमओ मुकेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही सीएमओ मुकेश कुमार ने जिले में आते ही फर्जी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल पर ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी है, स्वास्थ्य माफियाओं की नींद खोल दी है, तो वहीं सीएचसी और पीएचसी का निरीक्षण कर लापरवाह कर्मियों को सख्त हिदायत भी दी है। कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी द्वारा इसको मनमाना लगता है, ये तुरंत काम नहीं करते, इनके अच्छे प्रकार से काम न करने के कारण शासन स्तर पे कई पत्र भी प्रेषित किए गए हैं और साथ ही साथ इनको कई नोटिस भी जारी किए गए हैं, इससे इनको ये नागवार लगा। कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी यहाँ 8 से 10 साल से जमे हुए हैं, जो इस प्रकार का मकरजाल बनाए हुए हैं, जहाँ पे PCPMDT एक्ट, नर्सिंग होम पदाधिकारी के रजिस्ट्रेशन के लिए जिनको मैं लगाए थे सीएमओ को, उनके बारे में हमें पता चला कि काफ़ी दिक्कतें कर रहे थे, काफ़ी मेरे नाम पे भ्रष्टाचार पैदा किए हुए थे, जिनको मैंने पटल परिवर्तन कर दिया, इसलिए वो उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को मेरे खिलाफ उकसा करके इकट्ठा कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। सरकार की मंशा के अनुसार जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको हम पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हैं, और साथ ही साथ अगर इस तरह के कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और शासन प्रशासन से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग हमारा साथ देंगे, और साथ ही साथ यहाँ नर्सिंग होम और हमारा जो PCPMDT एक्ट, जो अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, और कुछ लोग उन्हें मकरजाल बनाए हुए थे उस पर भी हमने सख्ती से कार्रवाई किया, कई लोगों को नोटिस जारी किया, कई लोगों को FIR करके उनकी नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज भी कराया, इससे भी कुछ लोग नाराज हमसे हैं, तो सरकार के मंशा के अनुसार हम कार्य को अच्छे प्रकार से करने के लिए कटिबद्ध हैं, जो भी इसमें शामिल होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की। कार्य समय से ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, वो आ करके बिना पूछे बिना कुछ कहे चले जा रहे थे, कार्य करने के कार्य में उदासीनता, शिथिलता और लापरवाही बरत रहे थे। अब कुछ अधिकारियों का यहाँ नर्सिंग होम भी है, पंचबहार भी है, वहाँ भी जुड़े हुए हैं लोग, इस पर हमने जब सख्ती किया, इस तरह के मेरे खिलाफ माहौल बनाया कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैं अगर लिखा पढ़ी किया हूँ तो इसलिए नाराज होकर ऐसा कर रहा है, जो उचित और निराधार है, जो मतलब इनके खिलाफ लगातार मैं कार्रवाई करता रहूँगा सरकार की मंशा के अनुसार।